कंचनगाव सुरजी नगर परिषदेने जी सर्वसामान्य नागरिकांच्या अवास्तव करवाढ केली होती त्यावर काँग्रेसनी 3 दिवसपर्यंत लोकांचे तक्रार अर्ज संकलन केंद्र चालू करून लोकांच्या तक्रारी संकलित केल्या होत्या व माननीय आमदार बळवंतरावजी वानखडे यांच्या प्रयत्नांनी त्या कर प्रणालीवर जी राक्षसी कर प्रणाली होती त्यावर स्टे मिळालाय आणि त्यामुळे आता ही प्रोसेस सध्या स्थगिती मिळाल्यामुळे सध्या बंद आहे। यापुढेही हा जो कर आहे अवाजवी तो कमी करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू। वेळ पडल्यास कोर्टात सुद्धा जाण्याची आमची तयारी आहे। इस पर अंजनगांव सुरजी के अंदर जो टैक्स को रोका गया है इस पर कोई एक इंसान सिरे नहीं ले सकता है। ये जीत अंजनगांव सुरजी की अवाम की जीत है। अंजनगांव सुरजी के अंदर जो बहुत ज़्यादा टैक्स लागू किया गया था आज प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी है और अंजनगांव सुरजी में इस टैक्स के विरोध में बहुत ज़्यादा मोर्चे निकाले गए, धरना आंदोलन किए गए और ये धरना आंदोलन करने के लिए अंजनगांव सुरजी की तमाम अवाम ने इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसकी वजह से मीडिया का भी इसमें एक अहम रोल है। मीडिया ने ये चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जिसकी वजह से यहाँ के आमदार के सामने ये बात सामने आई, प्रशासन की ये बात सामने आई, तब जाके प्रशासन के आदेश पर नगर परिषद अंजनगांव सुरजी में इस टैक्स को रोका गया है। और हम इस मुद्दे पर जो अंजनगांव सुरजी में एमआईएम ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, हम इसका जो टैक्स रोका गया है इसका वेलकम करते हैं। अब जाके अंजनगांव सुरजी के अवाम को एक राहत मिली है। अब आगे इस पर प्रशासन और क्या निर्णय लेता है वो आगे आपको मालूम पड़ेगा।